भक्त वो है जो ज्ञान के बल से भगवान को पाता है, एक भक्त वो है जो भक्ति के बल से भगवान को पाता है। अब समझना यह है कि ज्ञान का बल श्रेष्ठ है या भक्ति का बल श्रेष्ठ है। ज्ञान के बल में और भक्ति के बल में क्या अंतर है? देखो, ज्ञान बल और भक्ति बल ये दोनों वैसे ही अलग अलग हैं जैसे बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा अलग अलग है। दोनों अलग अलग हैं पर एक छोटी सी समानता भी है। क्या? दोनों अपनी मां के अधीन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, बच्चा मां को पकड़ता है, और बिल्ली के साथ ऐसा नहीं है। बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, मां बच्चे को पकड़ती है। तो जो बंदर का बच्चा है वो अपनी मां को पकड़ता है, मां इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाएगी और पकड़ कमजोर हुई तो बंदर के बच्चे को गिरने की संभावना है, गिर सकता। पर बिल्ली का बच्चा, कहते हैं बिल्ली का बच्चा जन्म लेता है उसकी आंखें बंद होती हैं, सात घर बिल्ली अपने बच्चे को घुमाती है तब जाकर उसके बच्चे की आंखें खुलती हैं। आप भी सात दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बिल्ली अपने बच्चे को लेकर जाती है सात घर, जानते हो उस समय कौन किसे पकड़ता है? बच्चा मां को या मां बच्चे को? कौन किसे? बच्चा मां को नहीं, मां बच्चे को पकड़ती है। और बंदर के साथ क्या हुआ? मां बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा मां को। तो बच्चे ने मां को पकड़ा है, ये बंदर के साथ की घटना है। बंदर का बच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी वैसे ही है जैसे बंदर का बच्चा है, और भक्त वैसे ही है जैसे बिल्ली का बच्चा है। अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान भक्त को पकड़ते हैं जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। इसलिए ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है। मेला जब माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है तो मेले में माँ बेटे का हाथ पकड़ती है कि बेटा माँ का हाथ पकड़ता है? कौन किसका हाथ पकड़ता है? आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ती हैं कि बच्चा आपका पकड़ता है? हाँ, माँ बाप जब भी बच्चों को मेला घुमाने ले जाते हैं तो अक्सर माँ बाप ही बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चे यदि आपका हाथ पकड़ेंगे तो कभी भी आपका रास्ते में हाथ छोड़कर किसी भी दुकान में, खिलौनों की दुकान में जा सकते हैं। उनका हाथ, यदि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है तो वो कभी भी छोड़ सकते हैं, पर माँ ने बेटे का हाथ पकड़ लिया तो माँ कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार ज्ञानी तो भगवान को पकड़ता है, यदि ज्ञान का अहंकार आ जाए तो भगवान को छोड़ भी देता है, पर भक्त तो भगवान को पकड़ता ही नहीं है, भक्त को तो स्वयं भगवान पकड़ते हैं। और प्रभु जब आपने पकड़ा है तो फिर आप क्यों छोड़ेंगे हमें? इसलिए भगवान को माता पिता कहते हैं, त्वमेव माता च पिता। इसलिए उद्धव जी ज्ञानी है और गोपियां प्रेमी हैं। उद्धव ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं और गोपियां प्रेम मार्ग से चल रही हैं। आज निर्णय कर लेते हैं दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है। चले उद्धव चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। आए वृंदावन और जैसे इस धरती पे आए बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है,
भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार।